अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मौसम बहुत सारे इलाकों, अभी मैं जाना हुआ था इस्लामाबाद, बड़ा अच्छा मौसम था, बारिश वारिश थी और एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में और शहरों में भी होगी। और इस मौसम के हवाले से ध्यान में रखिएगा कि अपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है इस मौसम में खाने की, वो माल्टा, किनू, संतरा, कोई भी विटामिन सी चाहिए आपको, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से अगर आपने बचना है तो ये बेस्ट इसका इलाज है। और एक माल्टा, दो माल्टे, जितना किनू जो भी आप खा सकें बेहतर है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए। इनके इम्यून सिस्टम जो है, मुदाफ़ती निज़ाम जो है, बड़ा मजबूत हो जाएगा। और ख़ासतौर पर इस तरह की जो बीमारियाँ आमतौर पर इन दिनों में फैलती हैं, फिर वो ये रहा था कि फॉग, स्मॉग बहुत चल रहा है पंजाब में, तो उसकी वजह से गले बहुत ख़राब हो रहे हैं। विटामिन सी बेहतरीन इलाज। आज की दो रेसिपीज़ हैं, स्पाइसी चिकन पुलाव। अच्छा, पुलाव आमतौर पर जो हमारे यहाँ जहन में बैठा हुआ कि जी, ख़ासतौर पंजाब में जो पुलाव बनता है उसमें वो लाल मिर्ची भी डालते हैं, हल्का सा स्पाइसी होता है। कराची में बहुत सारे लोगों को अगर आप बताएं तो बोलते हैं यार मिर्ची कौन डालता है। तो मैं, तो मेरी जितनी कुकिंग का नॉलेज है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो रूल हमने बनाए हुए ना कि इसमें ये चीज़ नहीं डल सकती, वो डल सकती है, ये और या ये कहना कि जी वहाँ का उनको पुलाव बनाने नहीं आता, नहीं, ऐसे नहीं। पुलाव की बहुत बड़ी वैरायटी है और लोगों को ज़रा थोड़ा खुला जहन रखना चाहिए कि जब कुकिंग कर रहे हो तो उसमें हर वक्त एक हार्ड एंड फास्ट रूल ना रखें, ताकि हम हमारी कुकिंग ग्रो करें, नई चीज़ें आएँ इसमें और कुकिंग हमारी बेहतर हो जाए। सो स्पाइसी चिकन पुलाव है, यानी तीखा स्पाइसी, और उसको हम लाल मिर्चों के बजाय हरी मिर्चों से तीखा करें, और साथ में आलू की चाट, बड़ी ज़बरदस्त, सस्ती, कॉस्ट इफेक्टिव और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फ़ायदेमंद है, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये आते हैं ज़रा फ्रिज में, ये आ गया। अच्छा जी, हंटर बीफ हमने गुजरे हुए बुध को इसमें रखा था, और आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ हंटर बीफ है क्या। ये बेसिकली आम तौर पे पहले बेकरी वाले भी बनाते थे आम तौर पे, और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे हंटर बीफ बहुत सारी बेकरियों ने वो लगाया होता है कि हंटर बीफ बना रहे हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी है, मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं और हर एक का अपना बड़ा मज़े का होता है। लेकिन कराची में एक जगह है जो बड़ी मशहूर है इसके लिए, और उनका अपना रेस्टोरेंट है और वो बहुत मज़े का होता है, और बनाना इसका बहुत आसान है। थोड़ा सा इसकी ज़रा टेक्निक, मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया और काफ़ी दफ़ा ख़राब किया, उसकी ख़राबी की वजह भी आपको बताता हूँ कि क्या ख़राबी हुई थी और उसको ठीक कैसे किया। सबसे पहले तो आपको ये दिखा दें कि ये है क्या। ये हमने 2 किलो गोला, जिसको बोलते हैं, ये गाय का रान का गोश्त होता है जो बिल्कुल गोल होता है राउंड, और ये वो गोश्त है, और ये बड़े पीस साबुत है, ये देखें आपको दिखाते हैं। और इसको हमने क्या किया था, इसको हमने ये पानी में डिप करके रखा हुआ है, और इसको बुध हो गए तो कल इसको हम पकाएंगे हंटर बीफ को, ठीक है ना। तो कल इसका दिन आ गया, इसको तकरीबन 1 हफ्ता आपने इसमें डिबो के रखना है। और इसमें क्या क्या है, बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है वो सॉल्ट पैटर, जिसको कलमी शोरा कहते हैं, और ये आपको प्लम्बर की दुकान पे मिल जाएगा। ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की चीज़ है, मतलब आप किसी दुकानदार मसाले वसाले का आइटम नहीं है, पंसारी की दुकान जो थी उसमें मिल जाता है, प्लम्बर की दुकान में मिलता है, प्लम्बिंग में इसका इस्तेमाल है। और ये 2 किलो गोश्त में हमने 1 खाने का चम्मच डाला है सॉल्ट पैटर, यानी कलमी शोरा। इससे ज़्यादा डालेंगे गोश्त कड़वा भी हो जाएगा। कलमी शोरे का इसमें मेन काम है, कलमी शोरा बेसिकली इसकी क्योरिंग करता है, इसका गोश्त लाल कलर का हो जाएगा, इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये मेन काम इसमें। साथ में हमने 2 खाने के चम्मच में नमक शामिल किया था, 4-5 लौंगें, 2 अदद तेज़पात और 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, और इसके बाद इतना पानी इसमें डाल दिया कि ये बिल्कुल डिप रहे। और इसके एक और काम हमने ये किया, चूँकि देखिए अगर आप गोश्त देखेंगे तो ये पानी से निकले हुए, तो इसका बेस्ट तरीका होता है एक प्लेट ले लें भारी और वो इसके ऊपर ऐसे रख दें, ताकि गोश्त जो है इस पानी में मुकम्मल डिप रहे। 1 हफ्ता आपको लगाना है, हमारा हफ्ता कल पूरा हो जाएगा, फिर आपको पकाना दिखाएंगे, और फिर इसके बाद इसका एक और चीज़ भी बनाना सिखाएंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बड़ी मशहूर है। लेकिन इसको फिलहाल मैं वापस फ्रिज में रख रहा हूँ। इसका तरीक़ाकार ये होगा कि कल हम इसको, इसका पानी जो है फेंक देंगे और इसका गोश्त निकाल लेंगे, इसको धोएंगे, इसके बाद इस गोश्त को हम चढ़ा देंगे पकने, और ये मुकम्मल पकेगा, और ये प्रेशर कुकर में इसको पकाएंगे और या नॉर्मल पतीले में, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गोश्त मुकम्मल तौर पर बिल्कुल गल ना जाए। जब ये गल जाएगा फिर आपको इसका एक वो पूरा एक सॉसेज टाइप का बनेगा हंटर बीफ का, वो आपको बनाना सिखाएंगे, फिर बात का काम ईजिए। उसके बाद उसको रोल करके फ्रिज में रख दें, सैंडविचेस बनाएं, कोई भी चीज़ बनानी है, अमेजिंग। उसको मैं अवश्य फ्रिज में रख रहा हूँ, और हम आ जाते हैं हमारे पुलाव की तरफ। सो यहाँ पर ये आ गया, और पुलाव के लिए हमेशा या बिरयानी के लिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ, बर्तन जो है ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ जो बर्तन जिसमें हम चावल बनाते हैं वो छोटे बहुत होते हैं, फैला हुआ बर्तन आपको चाहिए, जिस तरह देग होती है, देग ऐसी होती है, तो ये बेसिकली देग ही है, लेकिन ये डिफरेंट किस्म की है। आपके घर अगर चावल ज़्यादा बनते हैं जिसमें पुलाव, बिरयानी खास तौर पे, ये बेस्ट बर्तन है। इसकी वजह ये कि इसमें खुले हुए चावल आपको मिलेंगे, चावलों की हाइट कम होगी, यानी चावल गिप नहीं होंगे। इससे मेरे पास एक ये पतीला है, एक इससे और बड़ा पतीला है। सो इसमें मेरे ख्याल में चावल हमने 3 पाव शायद लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। गोश्त 1 किलो है, चावल 1/2 किलो, सॉरी बिल्कुल। अच्छा, ये जो तनासुब है 1/2 किलो चावल और 1 किलो गोश्त, इसको कुकिंग की ज़बान में डेढ़ डेवड़ा कहते हैं, यानी डेढ़ गुना।
और ये आमतौर पर जो कैटरिंग वाले बनाते हैं वो एक किलो चावल में एक किलो गोश्त शामिल करते हैं, लेकिन चावल पकने के बाद एक किलो चावल तीन किलो हो जाते हैं और गोश्त एक किलो से कम होकर तकरीबन तीन पाव रह जाता है। इसी वजह से मैं आमतौर पर समझता हूँ कि ये रेशो ठीक है, अदरवाइज़ होता क्या है कि चावल बच जाते हैं और गोश्त का नामो निशान नहीं होता बिल्कुल, तो फिर ज़ाया हो जाते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आधा किलो चावल और एक किलो गोश्त और पतीला खुलाओ। तो सबसे पहला काम इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल हसबे मामूल एक कप, और इसके बाद सबसे पहला काम वही जो हमने करते हैं यानी इसमें हरी मिर्चें सॉरी प्याज शामिल करेंगे और उसको करेंगे फ्राई। प्याज की मकदार मैं आपको बताता चलता हूँ। यह आ गया प्याज, और जिस तरह आमतौर पर हम लोग बिल्कुल रेसिपी बेसिक स्टार्ट करते हैं, प्याज को फ्राई करेंगे। और आपको चीज़ें बता दें, पहले चिकन हम इसमें लेग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेस्ट इस्तेमाल कर लें, मिक्स इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन होता है। मैं लेग क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मेरे घर में चिकन ब्रेस्ट बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल चिकन विंग्स आते हैं और चिकन लेग आती है। और इसकी वजह ये कि हमारा घर में सबका मुत्तफ़िक़ राय है कि गोश्त का जो ये जो ज़ायका है मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन लेग में है या फिर विंग्स में। चम्मच हमारे पास कहाँ गए भाई, कुकिंग स्पून नहीं नज़र आ रहे, कोई है बंदा जिसको, चले मैं इस चम्मच से फिलहाल, आई डोंट थिंक सो, कांट सी इट। चलो ये इसे पकाते हैं, जब तक इसको प्याज को फ्राई करना है। और लेग की जगह ब्रेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन विंग इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें इसमें 15 से 20 अदद, अब ये ध्यान में रखिएगा जिस किस्म की हरी मिर्चें कराची में अवेलेबल है ये वाली, ये इतनी तीखी नहीं है, ठीक है नॉर्मल है। आपके इलाके में जैसी मिर्च मिल रही है उसका तीखापन आपको बताओगे तो आप 10, 12, 15, 8 जितनी अपने रखना चाहते रख लें। और साथ में इसमें साबुत गर्म मसाला 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन हसबे मामूल लेके खाने के चम्मच, तेल इसमें 1 कप है, और प्याज स्लाइस किया हुआ 1 कद बड़ी, और आलू आधा किलो है। सो आधा किलो आलू, आधा किलो चावल और साथ में 1 किलो चिकन। जब तक हम प्याज फ्राई करें हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे एंजॉय विल बी राइट बैक। स्पाइसी चिकन पुलाव अज्जा, चिकन लेग 1 किलो, सेला चावल आधा किलो, हरी मिर्च स्लाइस 15 से 20 अदद, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, आलू 500 ग्राम। वापस आ गए जी, और यहाँ बना रहे हैं स्पाइसी यानी तीखा चिकन पुलाव, और 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद बड़े साइज की प्याज स्लाइस की फ्राई कर दिए। अब ये जो हम चीज़ें इसमें शामिल करते हैं, अदरक लहसुन प्याज की क्वान्टिटी ये स्टैंडर्ड डिशेज से रखिए ताकि आपको रेसिपी याद करने में आसानी रहे। अदरवाइज़ होता क्या है कि अब यही रेसिपीज़ में अगर मैं बिरयानी में बना रहा हूँ तो उसमें मैं थोड़ी क्वांटिटी आगे पीछे कर दूँगा तो वो फिर आपको याद नहीं रहेगी। और ये स्टैंडर्ड भी है वैसे, इसको आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, प्याज की क्वांटिटी को कम कर दें ज़्यादा कर दें, अदरक लहसुन बढ़ा सकते हैं, गर्म मसाला शामिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, नॉट अ मस्ट। हम बिल्कुल एक बेसिक आपको रेसिपी से दे रहे हैं ताकि आपको ईजीली याद रहे। अच्छा, 3 खाने के चम्मच गर्म मसाला साबुत भी इसी स्टेज पर इसमें शामिल होगा ताकि फ्राई हो जाए तो इसको अच्छी तरीके से इसमें इसका जायका आ जाए और खुशबू आ जाए। अदरवाइज़ चिकन का पुलाव है इसमें, तो ये पूरा पुलाव अभी आप देखिएगा 5:15 हो गए, 5:45 तैयार होगा, तो 5:45 नहीं आधे घंटे के अंदर गरम मसाले का जो जायका है खुलता नहीं है, इसी वजह से हम इसको इसी स्टेज पर शामिल करते हैं ताकि थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और बड़ी इलायची छोटी इलायची को हमने खोलना है, ये मस्ट है, ये आपने देखे इसका दाना खोलेंगे सारा दाने में जायका है, छिलके में कुछ भी नहीं है, छिलका फेंक भी सकते हैं। और ये खोलना इसमें ज़रूरी है कि अगर हमने खोला नहीं तो जितनी देर में खुलेगा उस वक्त तक ये इसका हम पुलाव तैयार हो चुका होगा तो आपको गरम मसाले का उसमें जायका नहीं आएगा। ये गरम मसाला शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई किया, इसके बाद आ जाएगा इसमें 1 किलो चिकन। अगेन हम इसमें लेग यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रश यूज़ कर लें, मिक्स यूज़ कर लें, और बोटी का साइज़ 8 पीस सीधा सीधा। ये देखिए लेग को हमने 2 पीस किया हुआ है तो 4 पीस ही हो गए, 8 पीस और 2-4 पीस ब्रश के हो गए, ये नॉर्मल साइज़ है। कुछ लोग इसमें छोटी कटिंग भी रखते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, नो इशू, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज है। इसको हमने सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करना है, और चाहे तो इसमें चिकन यखनी भी शामिल कर सकते हैं, और चाहे तो बिल्कुल सिंपल इसको सॉल्ट के साथ भी बना सकते हैं। हम 1 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्का सा। इसके बाद काम हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। अच्छा, हरी मिर्च थोड़ी देर में हम इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लें और साथ में गर्म मसाला जो है इसकी खुशबू ज़रा बेहतरीन हो जाएगी अगर आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। तो इसको हम कर रहे हैं फ्राई और दैट्स इट, बस थोड़ा सा फ्राई किया। और इसके बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर, 1.5 लीटर काफ़ी है। ये शामिल किया, उबाल आएगा, धीमे आंच पे थोड़ा सा पकेगा, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट। अच्छा, आलू भी हम इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे क्योंकि जितना टाइम में चिकन पक रहा है उतने ही टाइम में आजकल जो आलू आ रहे हैं इतनी देर में ही पक रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आलू चिकन के साथ थोड़ा, हमने चिकन तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई किया
इसके बाद आलू इसमें शामिल किए, इसको मिक्स किया और अब इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें स्लाइस की हुई। अगेन रेसिपी कार्ड में 12 से 15 से 20 लिखी हुई जो मिर्चें यहाँ पे दस्तियाब हैं, ये तीखी नहीं इतनी, ये नहीं मतलब अब 15-20 शामिल करूँगा तो फिर वो थोड़ा स्पाइसी बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। और आप अपने इलाके में जो मिर्चें मिल रही हैं आपको, और आप चाहें तो इस हरी मिर्चों की जगह लाल मिर्चें शामिल कर ले, कोई इशू नहीं है एट ऑल। इसको हमने मिक्स किया और अब इसको हम कर देते हैं कवर। उबाल आने के बाद सिर्फ 10 मिनट तक पकेगा और 10 मिनट पकने के बाद फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे और ये हमारा पुलाव हो गया तैयार। अगेन जहन में रखिएगा, जो भी रेसिपीज़ हम आपको अपने शो के थ्रू देते हैं, मैं कम से कम कहता हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें एक बेसिक आइडिया आपको देना होता है पुलाव का और उसमें तीखापन जो है कैसे आए। पंजाब में मैंने देखा कि जो तीखा पुलाव होता है उसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल होता है, ये थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से इसका भी अच्छा जायका है, उसको तो बहुत अच्छा जायका है लेकिन इसका भी अच्छा जायका आएगा। और गरम मसाला मैंने आपको बताया आपकी चॉइस है, कुछ लोग नहीं पसंद करते। अच्छा, कुछ लोग ये जब पुलाव में खाते हैं तो एक साबुत गरम मसाले मुँह में आते हैं, बहुत सारे लोगों को इशू होते हैं। मेरे लिए दालचीनी तो बिल्कुल भी ना आए, बड़ी इलायची नहीं बिल्कुल नहीं, और लौंग बिल्कुल नहीं, ये बर्दाश्त नहीं, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग उसका जायका होता है। काली मिर्च जीरा ये चलता है और छोटी सब्जी इलायची भी चलेगी मेरे हिसाब से। तो अगर आप चाह रहे हैं कि गर्म मसालों को मुंह में ना आए साबुत, तो इसका बेहतर तरीका ये कि एक जगह आप इसमें बॉयल में डाल दें इसको और बॉयल कर लें, और तकरीबन कोई आधा पौने घंटा बॉयल कर लें, फिर वो गर्म मसाला फेंक दें, उसका पानी निकाल के इस पुलाव में डाल दें। हमारे साथ कॉलर है फरा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं तबीयत कैसी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्र, आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत? हाँ जी, अब तो मौसम काफी बेहतर है। अच्छा, सर्दी कम हो गई है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा चले, ग्रेट ग्रेट, टूट गई सर्दी। हाँ, हमारा आने था लाहौर आने का था, वो सारे असल में जो इवेंट्स है ना वो इलेक्शन की वजह से और ये और बहुत से इश्यूज थे, तो सारे के सारे क्लैश कर गए, यानी एक ही टाइम में कराची लाहौर इस्लामाबाद में तीनों जगह में एक ही डेट में हो रहा है। तो हमारा लाहौर का प्लान था 15-16-17 का, तो अब गया। हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, और आपकी माशाल्लाह रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। और मैंने ट्राई की थी, मैंने वो ना चिक्की आपने बनाई थी ना वो, हाँ जी वो बहुत अच्छी बनी। चले गुड। हाँ जी हाँ जी, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और वो असल में चिक्की का एक और चीज़ बताना भूल गए। अच्छा, मैंने जिस ट्रे में डाला था और दूसरे हमने वो सोडा वो क्या नाम है कॉर्नफ्लावर डाला था, लेकिन फिर भी चिपक गया था, कुछ निकल आया कुछ चिपक गया था। फिर हमारे साथ जो अब्दुल्ला भाई ना बड़े मास्टर शेफ हैं, भी फिर उन्होंने कह रहे इसका एक तरीका करते हैं, उसको चूल्हे के ऊपर रखे थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, वो बिल्कुल काम कर गया बेहतरीन। तो अगर इनकेस आपका ट्रे के साथ चिपक जाए तो वो ट्रे लेके अपने हल्की सी थोड़ा सा आँच उस पर रखें और थोड़ा सा इसको चम्मच से किसी छुरी से कुरेदने की कोशिश करें, ठक से एक पूरा पीस निकल आएगा बस, अगर इनकेस चिपक जाए। अदरवाइज़ तो मार्बल की सर्विस सबसे बेहतर है, या फिर नॉन स्टिक पैन में वही कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डाल दें और जैसे ही डालें फ़ौरन उसको कटिंग ज़रूर उसके कट लगा दें, अदरवाइज़ ये पर बाद में कट नहीं लगते। मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया 1.5 से 2 लीटर, उबाल आ गया। अब इसको हमने धीमी आँच पर पकाना है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 8-10 मिनट बस। चिकन को और आलू को हमने एक साथ, यानी चिकन को तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई कर लिया था, फिर हमने इसमें आलू शामिल किया, आलू आधा किलो, चावल आधा किलो और चिकन 1 किलो, ये इसका तनासुब। और गरम मसाले के बारे में आपको बता दी, गरम मसाला अगर आप शामिल नहीं करना चाहते या जायका आपको नहीं पसंद वो जो मुँह में आता है, तो इसको अलग से पानी में बॉयल कर लें तकरीबन को आधा पौना घंटा, फिर वो गर्म मसाला ज़ाया कर दें, उसकी कोई मतलब बाद में यूज़ दोबारा कर सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसका जायका इसमें से निकल चुका होता है, तो बाद में वो पुलाव में आप शामिल कर सकते हैं। सो इसको जब तक जैसी बॉयल आ गई धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। और जो हमारा आलू की चाट है बड़ी मज़े की, आमतौर पर मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ, हमारे पाकिस्तानी जो फास्ट फूड है इस टाइप का, ये बड़ा हेल्दी है, चने आलू छोले और थोड़े बहुत दही बड़े भी, और ये जो आलू की चाट है बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें फैट नहीं है कुछ भी सिवाय पापड़ी के, जो पापड़ बना हुआ है ये आप ना डालें कोई मसला नहीं, बाकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, जायके में बेहतरीन है और इसकी लागत भी कम आती है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कट जाएगा। स्पाइसी चिकन पुलाव, अज्जा चिकन लेग 1 किलो, सेला चावल आधा किलो, हरी मिर्च स्लाइस 15 से 20 अदद, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, आलू 500 ग्राम। वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन पुलाव, यानी तीखा चिकन पुलाव, थोड़ा स्पाइसी होगा और साथ में आलू की चाट, बड़ी ईजी कॉस्ट इफेक्टिव
हेल्दी भी है। ये पापड़ नहीं डालेंगे फिर बेहतरीन चीज़ है, और लो कैलरी फूड है जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके हवाले से भी अच्छा है। अच्छा, आलू एक और थोड़ा सा टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। अमूमन जब लोग वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले तो इनको ये तीन चीज़ें पता लगती हैं, चावल खाना बंद कर दो, रोटी खाना बंद कर दो, आलू खाना बंद कर दो, बस। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह चीज़ है वो ऑयल है, ऑयल बंद किया, बस ऑयल कम कर लें तो आप देखें, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें ज़ाहिर बात है अगर आप डाइटिंग करें तो करेंगे। आलू सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गुड कार्ब है जिसको कहते हैं, स्लो अब्जॉर्बिंग कार्ब, यानी अगर आप खा रहे तो ये चीनी जिस तरह अगर आपने दो खाने के चम्मच खाई है वो आपको आधे घंटे के अंदर 200 कैलोरीज देगा, आपने इस्तेमाल नहीं की वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आलू आपको 200 कैलोरीज दे रहा होगा लेकिन वो एक घंटे के बजाय 5 घंटे में आपके जिस्म में डिजॉल्व हो रहा है, तो वो आप एनर्जी जिस तरह टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं या घूम फिर रहे हैं वो काम में आ जाती है, और कभी भी बंद ना करो। और दूसरे जो लोग कहते हैं कि रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, ये सारी की सारी बेकार डाइट्स हैं, इनकी सेहत इससे ख़राब होती है। और सबसे बड़ा मसला है कि आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, कब तक, वापसी क्या है, क्या ये सारी ज़िंदगी करेंगे आप, कोई भी नहीं करता। और फिर क्या होता है, फिर वेट बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि आप सही चॉइसेस का इंतखाब करें, मुर्गन खाने कम खाएं, जितना कम ऑयल कर सकें। ये जहन में रखिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में 4 से 5 कैलोरीज हैं, और 1 ग्राम फैट यानी ऑयल या कोई भी फैट आप इस्तेमाल करें उसमें 9 कैलोरीज हैं डबल। और कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़रा इसको कम कर लें अगर आपको वेट के इश्यूज़ हैं तो। और वेट में वेट जिन लोगों का भी ज़्यादा है उनको 2-3 इश्यूज़ हैं, एक तो ज़ाहिर बात है प्रेजेंटेबल नहीं लगते, दूसरा सबसे बड़ा इशू ये कि इसके साथ बहुत सारी और बीमारियाँ आती हैं, आपके हड्डियों पे इसका बोझ पड़ता है। और इसको आसानी से कम तो किया जा सकता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। हमारे यहाँ बेचैन लोग हैं, हम तो कहते हैं भाई 3 महीने के अंदर 20 किलो कम कराओ, इश्तहार नहीं चलते, आपके फ़ोन वोन पे भी आते होंगे, ये सारा हम उसी को फॉलो करते हैं। और जो आपने जो अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी, जो भी चेंज करना है आपने, उसको आप आहिस्ता बतदरीज करें ताकि आपकी सेहत भी बरकरार रहे और वज़न कम हो तो लंबे अरसे के लिए फॉरएवर कम हो। सो वापस आते हैं पुलाव पे, मेरे हिसाब से चिकन भी इतना पक चुका है और आलू भी कि अब इसमें हम चावल शामिल कर सकते हैं। दूसरा अहम जो इसमें इशू आता है पुलाव में, चावलों और पानी की रेशो, इसका मैं आपको तरीका बता दूं। अब अगर आपको यहाँ पे लग रहा है पानी ज़्यादा है और चावल के हिसाब से पानी ज़्यादा, चावल ख़राब हो जाएंगे, ये डिसीजन अभी ना लीजिए। अब हम इसमें चावल शामिल कर रहे हैं 1/2 किलो, पानी में भिगो के रखने। अच्छा, चावल कितनी देर तक भिगोने, मैं आमतौर पर सेला चावल इस्तेमाल करें, सेला चावल 2 से 2.5 घंटे में भिगोता हूँ, और क्या उसको बोलते हैं बासमती 1 से 1.5 घंटा बेहतर इसका रिजल्ट आता है, लेंथ आपको मिलती है। अच्छा, जैसे ही मैंने भी चावल शामिल किए, इसको मैं मिक्स करूँगा ना, मुझे इस टाइम ही आइडिया हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से पानी बिल्कुल ठीक है, ये देखें जैसे चावल इसमें शामिल किए तो उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आपको आइडिया हो जाएगा। इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी शक गुजरे कि यार ये पानी ज़्यादा है, तो इसका बेस्ट तरीका अभी है, निकाल के 1-2 कप या 3 कप 2 कप जितना आपको ज़्यादा शक हो रहा है वो निकाल के रख लें और पकने दें, और एंड में जब ये पानी सारा पी जाएगा फिर आप चावल चख लें, अगर आपको लगता है थोड़ी सी कसर है फिर वो यखनी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यखनी फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, वो किसी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको शक हो रहा हो बिल्कुल रिस्क ना लें, क्योंकि शक हो रहा है तो कुछ ना कुछ वजह है। तो मेक श्योर के पानी निकाल के रख लें सारा इसकी यखनी, और फिर उस टाइम शामिल की जाएगा जब आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो। मेरे हिसाब से जिसमें हमने यखनी बना के रखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। नमक चेक कर लीजिएगा पुलाव के हिसाब से, आमतौर पर अगर आप इसको चखेंगे तो आपको ज़्यादा नमक लगेगा लेकिन चावलों के साथ जज्ब हो गए फिर ये बेहतरीन हो जाता है। तो अभी हमने फौरन इस पर ढक्कन रख देना है, उबाल आएगा तेज़ आंच पे, और उसके बाद ढक्कन हटाएंगे, फिर हमने चावल इसमें इतने पकाने हैं कि पानी इसमें तकरीबन गायब हो जाए, और फिर इसको दम पे रखना है। अच्छा, दम पे रखने के लिए जहन में रखिएगा कि आमतौर पर मशहूर ये है कि 15 मिनट दम, ये मस्त नहीं है, कभी कभार आपको ये तरीकाकार भी बड़ा अच्छा होता है कि आप यहाँ चावलों को मुकम्मल तौर पर ना पकाएं, यानी इसमें यखनी नज़र आ रही हो और दम पे रख के फिर आप उसको दम 15-20-25-30 मिनट दें, फिर आप देखें कैसे खिले हुए चावल। दूसरा जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, पुलाव बिरयानी में जब ये पक जाएगा ढक्कन हटा के छोड़ दें थोड़ी देर, ये चावलों को थोड़ा सा ज़रा सांस लेंगे, आप देखें कैसे खिले हुए चावल। हम जैसे ही ढक्कन हटाते हैं फ़ौरन मिक्स करना शुरू कर देते हैं, उससे चावल टूटते हैं। दूसरा, बिरयानी में आप ले रहे हैं या पुलाव ले रहे हैं, बिरयानी खासतौर पर बिरयानी लेने का तरीका होता है कि सारी मिक्स ना करें, एक साइड मिक्स करें जितनी आप ले रहे हैं। आप दुकानदार के पास जाएंगे ना कि बिरयानी बेचने वाले का, देखिए कैसे पूरी देख साबित होती है, एक साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप सारा मिक्स कर देंगे ना तो चावल में जो सादा चावल है और मसालेदार चावल है वो सारा मिक्स हो जाएगा, फिर वो बिरयानी वाला टेस्ट नहीं आएगा। यानी जो बिरयानी आप खा रहे हो तो उसमें सादा चावलों का भी टेस्ट आए, साथ में थोड़ी सी ग्रेवी और साथ में ज़्यादा ग्रेवी का, ये उस टाइम जब आप मिक्स करेंगे तो फिर आपको आएगा। सो सारे चावल मिक्स ना करें। यहाँ पर आते हैं वापस, ये देखें उबाल आ गया, अब इसका हमने ढक्कन हटा देना है, इसको पकाते जाएंगे उस वक्त तक जब तक इसमें ये यखनी तकरीबन गायब ना हो जाए, पर ढक्कन रख देंगे और 15 से 20 मिनट इसको हम दम पर रखेंगे और ये हमारा
स्पाइसी पुलाव तैयार हो जाएगा। और तीखापन का तरीका चेक करने का, जिसमें मैंने तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्चें डाली, इसकी यखनी पी के आपको आइडिया हो जाएगा। वो उसी टाइम अगर आपको लगता है कि तीखापन कम है तो फिर आप इसमें 3-4 हरी मिर्चें ज़्यादा और डाल सकते हैं। और लाल मिर्चों का भी तरीका ही है, पहले कम रखें, चख लें उसको, अगर आपको कम लग रहा है फिर उसके बाद उसकी मिर्चें बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो आलू की चाट है तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई काम नहीं, सिंपली इसको मिक्स करना है। हमारे साथ कॉलर है अलीजा सालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अलीजा आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मुझे शेफ महबूब से बात करनी थी। जी मैं हूँ, बात कर रहा हूँ। हेलो। जी जी मैं बात कर रहा हूँ, फरमाइए। ओह मेरे ख्याल में कोई इशू हो गया, चले। अच्छा जी, इसको भी मैं मिक्स करते जा रहा हूँ, देखते रहिए। और बस आपने जहन में रखना है, थोड़ा सा भी आपको लगे कि यार ये चावल पे पानी ज़्यादा हो रहा है, निकाल के रख लें, बाद में किसी और काम में भी आ सकता है, लेकिन इस टाइम में रिस्क ना लीजिए, क्योंकि एक दफ़ा इसमें यखनी में चावल मिक्स हो जाएंगे ना, फिर आपको यखनी निकालना मुसीबत हो जाएगी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। मेरे हिसाब से ये जा चुका होगा दम पे और हम बनाएंगे आलू की चाट। कहीं जाएगा विराट बैक। आलू की चाट अज्जा, आलू क्यूब्स आधा किलो, तेल आधा कप, नमक एक चाय का चमचा, चाट मसाला दो खाने के चमचे, इमली की चटनी के लिए इमली का पेस्ट आधा कप, चिली पाउडर एक चाय का चमचा, जीरा पाउडर एक खाने का चमचा, नमक एक चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, प्याज चॉप्ड 1.5 कप, पापड़ी 4 अदद। वेलकम बैक। पुलाव हमने दम पर रख दिया। मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ। हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, 2 अदद बड़े प्याज फ्राई किए, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया, 3 खाने के चम्मच इसमें साबुत गर्म मसाला फ्राई किया, उसके बाद गर्म मसाले के फौरन बाद हमने इसमें 1 किलो चिकन शामिल किया, थोड़ी उसकी भुनाई की, फिर हमने इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें नमक शामिल किया। नमक आपको अंदाज़ा होगा कि पुलाव में कितना डलता है उसके हिसाब से। और फिर हमने इसमें पानी शामिल किया तकरीबन 2 लीटर, और 10-15 से 20 हरी मिर्चें शामिल की। तीखापन डिपेंड करता है आपके इलाके में कैसी है, और चख लीजिएगा। उबाल आने के बाद उसको धीमे आंच पर पकने छोड़ दिए। साथ में हमने इसमें आलू शामिल कर दिए, और चिकन को हमने तकरीबन 7-8 मिनट तक फ्राई करना है, फिर पानी शामिल कर दें, आलू शामिल कर दें, और उसके बाद जैसे ही बॉयल हो गया 10-15 मिनट पका, और फिर हमने इसमें आधा किलो सेला चावल शामिल कर दिया, और फिर इसको मिक्स किया। जैसे चावल में पानी गायब हुआ, इसको दम पे रख दिया है, 15 से 20 मिनट इसका दम है और ये पुलाव तैयार हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आलू की चाट की तरफ। अच्छा जहन में रखिएगा, इसके 2 मेथड है। एक तरीका तो सिंपल है कि आलू लें और उसमें सारी चीज़ें जिसमें ज़ीरा है और मेरे ख्याल में शायद ये वो आमचूर पाउडर होगा, आमचूर पाउडर है, इमली का पेस्ट है, प्याज है और हरी मिर्चें, और साथ में पापड़। दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा ज़रा अनहेल्दी है लेकिन बहुत मज़े का है। कभी कभार अगर आप ऐसे अनहेल्दी खाने खा रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो आलू बॉईल किए थे, आलू की मकदार आधा किलो है, आधा किलो क्यूब में काट लिए, और ये बॉयल्ड है, उसको मुकम्मल पकाना है, बिल्कुल थोड़ी सी भी कसर आप नहीं रखेंगे। उसके बाद इसमें मैंने आधा कप ये ऑयल ले लिया, और अभी आलूओं को हम फ्राई करेंगे। जहन में रखिएगा दोनों तरीके हैं, या तो सिंपली थोड़ा अगर हेल्दी ऑप्शन चाह रहे हैं तो फिर आप आलूओं को फ्राई ना करें, और अगर थोड़ा सा ज़रा कभी कभार अगर इस तरह के खानों का दिल कर रहा है, अगर कभी कभार खाते हैं फिर इसको आप फ्राई कर सकते हैं, नो इशू। तो उसको तकरीबन हम 6-8 मिनट तक फ्राई करेंगे, निकालेंगे, बाकी काम इसमें बहुत ईजी है। सिंपली इसमें चीज़ें मिक्स करनी है और हमारी आलू की चाट हो जाएगी तैयार। सो आलू यहाँ पर फ्राई करते जाएंगे, और बस 6-7 मिनट बस, जैसे फ्राई हो जाएगा निकलेगा, फिर हमने सिंपली इसमें सारी चीज़ें शामिल करनी है और ये सब हो जाएगी। अच्छा आलू की चाट है, इसमें एक और बहुत मज़े की बनती है शक्करकंदी की, एग्जैक्टली यही, और आजकल मेरे ख्याल में सीज़न भी है, बहुत मज़े की बनती है शक्करकंदी। बाज़ार से लाएँ, इसको बॉईल करें, वो भी एक किस्म का आलू है, और वो बड़ी थोड़ी सी मीठी होती है, लेकिन वो चटनी इसकी इस रेसिपी में बहुत अच्छी फिट होगी, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सो आलू फ्राई कर रहे हैं एंड दैट्स इट। और पुलाव ने दम पर रखा हुआ है और 15 मिनट, और जैसे ही पुलाव तैयार हो जाएगा मेरे ख्याल में ब्रेक में जब हम जाएंगे तो इतना टाइम मेरे पास होगा कि मैं इसका ढक्कन हटाऊं और इसको हम थोड़ा सा ज़रा इसकी स्टीम निकलने दें ताकि चावल खिले हुए, अदरवाइज़ होगा क्या कि अगर आपने जैसे ही ढक्कन हटाया और फौरन मिक्स किया, चावल बहुत नाजुक होते हैं इस टाइम और टूटने का खदशा होता है। और पुलाव भी जब ले रहे हैं तो कोशिश करें सारा पुलाव मिक्स ना करें, एक साइड से ले रहे हैं, बिरयानी में तो ख़ास तौर पर, पुलाव में भी थोड़ा सा साइड से लिया और फिर वो बाकी चावल को रहने दें। दूसरी चीज़, इन केस अगर आपको चावल लगता है कि थोड़े ज़्यादा पक गए तो इसका तरीका ये है कि ढक्कन हटाया और 15 मिनट आपने दम दिया, इसके बाद ढक्कन तकरीबन 10 से 15 मिनट बाहर छोड़ें, 10 मिनट, पुलाव बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, बिल्कुल फिक्र ना करें, काफ़ी हीट होती है लेकिन वो जो नमी है वो निकल जाएगी और आपके जो पुलाव है वो बेहतर तरीके से बनेगा। इसको जब तक मैं आलू फ्राई कर रहा हूँ, हमारे साथ कॉलर है उज़्मा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत?
जी सर, बहुत मुश्किल से आपसे बात हुई है, मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन शुक्र है आज मेरी बात हो गई आपसे। हुकुम कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? जी जी सर, मैंने एक गुजारिश करनी है कि आपने एक चैनल पे ना एक ये जो होते हैं ना, आपने चिकन क्यूब्स बनाने की तरकीब बताई थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरा उसकी अगर आप दोबारा यहाँ पे चैनल पे रिपीट कर दें, क्योंकि वो तो इसके पेज से भी हमें मिल जाएगा, तो वो अगर हम बना के रख लें तो बच्चों के लिए, और अगर फिश की आप बना सकते हैं, दोनों बन जाएगी, इस तरह फिश के क्यूब्स हो सकते हैं, इस तरह अगर हो सके तो ठीक है। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं, कोई मसला नहीं, नेक्स्ट वीक में मैं डाल देता हूँ। मैं काम ये करता हूँ, इसमें तीन किस्म के चिकन के भी बनाते हैं, फिश के भी, और सबसे जो मुझे पसंद है वो प्रॉन के, झींगे के, बेहतरीन मज़े के होंगे। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक देख लीजिएगा, मैं दिन नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डाल देंगे डेफिनेटली। डायरेक्टर साहब नोट फरमा लीजिए, थैंक यू। आपका और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और आज शुक्र है मेरी कॉल आपसे बात हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आलू को मैंने आपको बताया 7 से 8 मिनट, और पुलाव को हमने दम पे रखा हुआ है और बिल्कुल धीमी आँच। अच्छा, दूसरा एक और इशू जो बहुत सारे लोग करते थे, पहले करते थे, इसके नीचे तवा रखते हैं, बिल्कुल ना रखिएगा। उसकी वजह ये है कि आप एक ठंडा तवा उसको गर्म कर लें, फिर इशू अलग है, लेकिन अगर आप ठंडा तवा इसके नीचे रखेंगे, ये उसमें स्टीम ही नहीं बनेगी और चावल ख़राब हो जाएंगे। दूसरा, इनकेस अगर आपको कहीं उसी टाइम लगा कि यार चावलों में पानी ज़्यादा गया, तो इसका बेहतरीन हल इस में जो हम वो एक कपड़ा लगाते हैं, वो कपड़ा उस सूरत में बेहतर है कि अगर आपके पानी इसमें ज़्यादा हो गए, जब कपड़ा लगाएंगे जो पानी ऊपर उठ रहा है स्टीम, वो बजाय चावलों में वापस गिरने के वो कपड़ा जज्ब कर लेगा। ये भी इसका तरीका, अगर आपको थोड़ा सा फील हो रहा हो कि ये चावल ज़्यादा पक ना जाए। आलू को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, इसके बाद ये आलू निकाल लेंगे, और फिर हमारी चाट का काम बिल्कुल ईजी। टेस्ट के पॉइंट से बहुत ये भी मज़े के हैं, और सादा आलू भी मज़े के हैं, नो इशू। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि आलू या इस टाइप की जो भी चीज़ डीप फ्राई करें या इतने ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, इसका भी एक अच्छा हल ये कि आपको ये डीप फ्राइंग का जायका भी मिल जाएगा, और इसको आप किचन एब्जॉर्बर पेपर या किचन टावल जिसको कहते हैं उसमें निकाल लें, तो इसका इजाफी तेल जो जब ये निकलेगा तो आपके ये जो चाट है ये भी काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं आलुओं को आपने निकाल के प्लेट में रख दिया, तो ये जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसी के साथ ही जज्ब कर जाएगा, और फिर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हम इसको फ्राई करेंगे, निकालेंगे एक किचन टावल पर, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, और फिर हम बनाएंगे इसकी चाट। एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, टेन जाएगा, विल बी राइट बैक। आलू की चाट, अज्जा, आलू क्यूब्स आधा किलो, तेल आधा कप, नमक एक चाय का चमचा, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, इमली की चटनी के लिए इमली का पेस्ट आधा कप, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, प्याज चॉप्ड 1.5 कप, पापड़ी 4 अदद। तरकीब, एक पैन में तेल गर्म करके आलू गलने तक फ्राई करके एक तरफ रख दें, एक बोल में इमली की चटनी के तमाम अज्जा मिक्स करें, अब एक डिश में आलू डालें, ऊपर इमली की चटनी, चाट मसाला, प्याज और पापड़ी डालकर सर्व कर दें। स्पाइसी चिकन पुलाव, अज्जा, चिकन लेग 1 किलो, सेला चावल आधा किलो, हरी मिर्च स्लाइस 15 से 20 अदद, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, आलू 500 ग्राम। तरकीब, एक पैन में तेल गरम करके प्याज लाइट गोल्डन फ्राई करें, अब लहसुन और अदरक डाल के 1 मिनट फ्राई कर लें, फिर चिकन और गर्म मसाला शामिल करके 5 मिनट पकाएं, अब नमक, हरी मिर्ची और पानी मिलाकर चिकन गलने तक पकाएं, फिर आलू और चावल डालकर 5 से 7 मिनट पकाएं, ढककर स्टीम पर 20 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। वेलकम बैक। पुलाव गया तैयार। अच्छा, अभी मैंने इसका तकरीबन 2-3 मिनट पहले ढक्कन हटाया। इसकी निशानी क्या है कि जैसे ही इसमें चावल पक जाएंगे, जब आप ढक्कन हटाएंगे, तो चावल ऊपर नजर आने नहीं, बिल्कुल ऐसे खड़े होना शुरू हो जाएंगे, और तकरीबन 10 मिनट आप छोड़ दें खुला, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जितनी भी सख्त सर्दी होगी, ये ठंडा नहीं होगा, इसके अंदर इतना टेम्परेचर है कि ये बहुत ही गर्म रहेगा। 7-8 मिनट 10 मिनट छोड़ देंगे ये, फिर चावल आप मिक्स करेंगे, देखें कैसे बेहतरीन होते हैं। हम आ जाते हैं आलू की चाट की तरफ। आलू यहाँ पे हमने शामिल कर दी, और एक एक करके चीज़ें आपको बताते जाते हैं, और सिंपल काम ये आ गया। इसमें चॉप किया हुआ प्याज, और ये आप मर्जी अगर आप शामिल करना चाहते हैं, और ये तकरीबन कोई 1.5 कप है। इसके बाद आ जाएगा इसमें इमली का गूदा, और ये है 1/2 कप। इसके बाद इसमें 2 खाने के चम्मच चाट मसाला है, ये शामिल हो गया। और चाट मसाला जब शामिल हो जाए, जहन में रखिएगा कि फिर इसमें नमक आपने कम इस्तेमाल करने, क्योंकि चाट मसाले में काफ़ी होता है। 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद जीरा कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाला में शामिल किया तो ये फिर ज़्यादा ना हो जाए। इसको सिंपली आपने मिक्स करना है, और इसके बाद अगेन जहन में रखिएगा, चाट मसाला चूँकि स्पाइसी होता है, तो हरी मिर्चें अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें हमने धनिया शामिल नहीं किया सलमान भाई,
मेरे और सलमान भाई के बिल्कुल भी, धनिया जो है बड़ा कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ को होते हैं ना फ्लेवर, कुछ आपको ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हजम नहीं होते, तो वो उनमें से एक धनिया भी है हमारे, लेकिन ये आपके अपनी चॉइस है, इसमें आप शामिल करना चाहते कर सकते हैं। और ये तैयार हो गया, अब हमने सिंपली ये निकाल के एक बॉल में और इसको करते हैं सर्व। पुलाव भी मैंने खुला छोड़ा हुआ इसका ढक्कन ताकि थोड़ी सी इसमें स्टीम और निकल जाए, फिर हम इसको भी करते हैं सर्व। और पापड़ी आपकी चॉइस पे, पापड़ी का भी इसमें बड़ा बेहतरीन टेस्ट आएगा, आप चाहें तो इसमें चने भी शामिल कर सकते हैं थोड़े से, क्योंकि आलू की चाट है तो थोड़ा बहुत चना शामिल कर सकते हैं। चने की क्वांटिटी आलू के मुकाबले में तकरीबन एक तिहाई होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो आलू की चाट नहीं रहेगी। ये सिंपली सारा का सारा निकाला और इसके बाद सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में पापड़ी, बस ये आ गई हरी मिर्चें और ये आ गया इसके ऊपर पापड़, ये रिच बस, और जगह करते हैं साफ और उसके बाद सर्व करते हैं पुलाव। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। चावलों को जहन में रखिएगा कि थोड़ा सा अगर आप छोड़ देंगे तो ये बड़े बेहतरीन खिले हुए बनेंगे। एनीवेज चीज़ों में हमारे तैयार, और आलू की चाट मैंने इस तरह आपको बताया कि आप इसमें थोड़े से चने शामिल कर सकते हैं, और आलू डीप फ्राई अगर नहीं करने तो फिर सिंपली आप इनको बॉयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंपली चावल को देखें, जैसे ही खोला थोड़ा सा इसको आप जरा इस तरह खोलेंगे, ये भी आप देख रहे हैं कितनी स्टीम इसमें से निकल रही है, ये आपके चावल बेहतरीन बन जाएंगे खिले हुए अगर आपने इसको थोड़ा सा टाइम दिया। मेरे हिसाब से मेरे चावल तैयार है, हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और इसके बाद इसको करते हैं सर्व। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज रेडी होगी, तीखा पुलाव यानी स्पाइसी है थोड़ा सा, और उसको हमने किया हरी मिर्चों से, आप चाहें तो उसको इसमें लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, नो इशू। और जब भी पुलाव सर्व करें या बिरयानी, मेक श्योर के बोटियाँ जो हैं वो नीचे ना दबाएँ, थोड़ी ज़रा ऊपर खूबसूरत नज़र आती है। चावल बेस में सारा डाल दें, प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है, तो भी आप देख रहे हैं हम सिर्फ फ़िलहाल चावल की बेस बना रहे हैं और फिर इसमें चिकन की जो बोटियाँ हैं वो ऊपर रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। और ये तेज़ पात निकाल दें, इसका बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं आती और खाने के तो काबिल है ही नहीं वैसी, तो इसको आप पहले निकाल दें ज़्यादा बेहतर है, बाकी साबुत गर्म मसाले का कोई इशू नहीं। ये आ गया हमारा आज का पुलाव तैयार, और थोड़े से मैं इसमें चावल और शामिल करूँगा। और इसके बाद ये लेग का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी डिश खूबसूरत बहुत नज़र आती है, ये ड्रम स्टिक्स की वजह से और ये थाई के गोश्त की वजह से। सो एक एक करके पीछे रख देते हैं। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हो गई, इंशाल्लाह कल हम बनाएंगे जो हमने 100 बीफ मैरिनेट करके रखा हुआ था, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उम्मीद है अगर वो प्रोग्राम देख रही हो तो उनको पता लग जाएगा कल हम इसको पकाएंगे। और होगा क्या कि हम इसको सिंपली उस गोश्त को निकाल के बॉयल करेंगे सिंपली, और वो पानी फेंक देंगे, उस पानी में नहीं पकाएंगे, और कल आपको उसको पका हुआ दिखाएंगे। यानी हम जब शो पे वापस आएंगे तो बेसिकली ये पक चुका होगा पानी में सिंपल बॉयल्ड, और इसका एक और प्रोसेस हमने करना है वो आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे। सो ये आज का हमारा पुलाव भी हो गया रेडी, ये आ गया। टाइम कितना है हमारे पास, चले डन हो गया भाई, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.